नोएडा में बड़ा हादसा, सेक्टर 21 के निर्माणाधीन बाउंड्री बॉल भरभराकर गिर गई। निर्माण कार्य में जुटे मजदूर बॉल के मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। सेक्टर निवासी मौके की तरफ दौड़े और मजदूरों को मलबे से बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बाउंड्री बॉल पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग कार्य कर रहे थे, जो इस बाउंड्री बॉल की चपेट में आ गए। रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 21 की जलवायु बिहार रेसिडेंशियल सोसाइटी की बाउंड्री बॉल करीब 25 साल पुरानी थी। गोन टेबल जज्जर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दीवार के निर्माण कराने के लिए मजदूरों को लगाया गया था। इस दीवार का निर्माण जलवायु बिहार सरकारी आवास समिति ने करवाया था। मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्य कराए जा रहे थे, तभी अचानक से दीवार भरभराकर मजदूरों के ऊपर गिर गई। दीवार गिरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सोसाइटी वासियों और पुलिस कर्मियों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर दीवार के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि दीवार के नीचे दबने से चार लोगों की मौत भी हो गई है। आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दो डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और दो डेथ कैलाश हॉस्पिटल में होने की सूचना मिली है, परंतु इसको दोबारा वेरीफाई करा के पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी जो घायलों के बारे में संख्या एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जिनकी उपचार हो रही है, और बाकी अन्य लोगों के बारे में अभी डिटेल पता कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मौके पर जितने भी एरिया है उसको और प्रिकॉशनरी तौर पे तलाश भी की जा रही है और रेस्क्यू टीम्स, फायर टीम्स, सारे टीम्स यहाँ मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि घटना क्यों हुई उसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। जो जो प्रथम दृष्टिया जो सूचना प्राप्त हुई है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ नाले रिपेयर की कॉन्ट्रैक्ट नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई थी और उनके ठेकेदार यहाँ जो काम कर रहे थे, बगल की दीवार गिर के जो घटना हुई है, हादसा हुई है। बाकी अन्य क्या तथ्य है, क्यों ये घटना हुई है, उसकी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और पता की जाएगी। जो वॉल थी वो एक बिल्डिंग की वॉल थी, तो अब क्या इंक्वायरी होगी इस पर? जैसा मैंने बताया ये सोसाइटी की अपनी वॉल, फिर भी एक प्रारंभिक जांच हम लोग कराएंगे और अगर लगा कि किसी की जिम्मेदारी निर्धारण की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल की जाए। ठीक है, कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? लगभग 13 लोग काम कर रहे थे, जैसा मैंने बताया। इसमें 4 की डेथ हुई, 1 इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग सेफ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।